हम सब आम तौर पे गुटखा पान मसाला तंबाकू खा के 10-20-50 रुपए बर्बाद कर देते हैं। चलिए एक दिन गुटखा मत खाइए, चलिए एक दिन पान मत खाइए, चलिए एक दिन तंबाकू मत खाइए, चलिए एक दिन नशा मत कीजिए, सिर्फ इस बहन के लिए इसके जीवन के सपनों को सजा दिया जाए। गुड़िया मेरे तरफ से ये छोटा सा मदद तुम ले लो। ये गरीबी कितना दर्दनाक होता है और गरीब का दुख कोई समझ ले तो मुझे लगता है इस दुनिया में उससे महान कोई है नहीं। विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार है। मैं इस वक्त सिरपत नगर में हूँ, ये बिहार पश्चिमी चंपारण में आता है, पश्चिमी चंपारण जिले का एक गांव है और सटे कुशीनगर से ज़्यादा इसका लगाव है, नगर पंचायत छितौनी के बगल में है। ये गुड़िया है, गुड़िया घर में दोबारा इसलिए आया हूँ कि इस गांव में 40 से ज़्यादा घर तो जले हैं लेकिन गुड़िया की जिंदगी एकदम तहस नहस हो गई है, इसका कुछ नहीं बचा है। बाकी के लोगों में तो उम्मीदें हैं कि वह कमा के जो है किसी तरह अपने परिवार अपने घर को सही कर लेंगे, लेकिन गुड़िया के पास जो है कुछ भी उम्मीद नहीं बचा है। क्योंकि आप सबको मैं बता दूं कि गुड़िया जो है इसकी माँ भीख मांग के इन लोगों का परिवार पालती थी और उसके बाद माँ विकलांग हो गई और उसके बाद जो है किसी तरह गुड़िया मजदूरी करती थी जब तक इसका शरीर ठीक था। 2 दिन पहले जो ही आग लगा इसकी विकलांग माँ को इतना जो है चिंता हो गया और 40,000 रुपया जो है बिस्तर के नीचे रखी थी कि घर के लिए कुछ काम किया जाएगा, विकलांग माँ उठ नहीं पाई और वो 40,000 रुपया भी जल गया। किसी तरह उसको जो है लोग आए उठाकर बंधे तक लेके गए तो उसकी जान बची, लेकिन दुखद बात यह है कि 2 दिन बाद यानी कि कल जो है इसकी माँ भी हुक्कन टेंशन में दुख में तकलीफ में आकर अपनी जान को त्याग दी, मर गई। अब कुछ बचा नहीं है। ये गुड़िया का घर है, पहले यहाँ छप्पर हुआ करता था, यहाँ छोटा सा एक दुकान हुआ करता था किराने का, समूह का लोन लेकर 30,000 रुपया जो है दुकान डाली थी गुड़िया, लेकिन अब समूह का लोन कैसे देगी वो भी चिंता है, वो दुकान भी खत्म हो गया और इसकी हालत देख लीजिए सूख के जो है कैसे हो गई है। अब मुझे लगता है कि यह मजदूरी करने की भी इसकी हालत नहीं है। मैं वैसे कभी आप सबसे मदद के लिए कोई अपील नहीं करता हूँ, मैं जो कोई जेन्युइन भिक्त होता है जिसकी समस्या सच में होती है उसी के लिए मैं आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ और मेरी चाहत हमेशा रहती है कि ऐसे लोग की मदद हो, लेकिन दुख के साथ करना पड़ रहा है। 4 से 5 दिन हो गया कोई नेता कोई विधायक कोई सांसद इस परिवार का मदद नहीं किया। आखिर में थक हार कर मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ कि इस बहन की जिंदगी के उजड़े हुए सपने को सजाया जाए और उसकी जिम्मेदारी हम सबकी है, आपकी है, हम सबकी है। जो भी मदद करना चाहते हैं, गुड़िया का मोबाइल नंबर इंडियन पोस्ट बैंक पोस्ट ऑफिस में है ना खाता, पोस्ट ऑफिस का खाता नंबर मैं आप सबको दे दूंगा। ये गुड़िया का अकाउंट नंबर है और गुड़िया का मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। अगर आप सब जो भी मदद करना चाहते हैं गुड़िया का मदद कीजिए और प्लीज़ मदद कीजिए। 2 रुपया मदद कीजिए, 5 रुपया कीजिए, 10 रुपया कीजिए, 100 रुपया, 50 रुपया, जो कर सकते हैं यथाशक्ति जो कर सकते हैं कीजिए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये देखिए जो जितने गांव के लोग हैं सब लोग की भी चाहत है कि गुड़िया की मदद हो, क्योंकि सबकी ज़िंदगी तो वापस बस जाएगी लेकिन इसकी ज़िंदगी बसने का कोई उम्मीद नहीं है। गुड़िया के पति भी नहीं है, उनका भी निधन हो गया, माँ थी माँ का भी 2 दिन पहले निधन हो गया और हुक्कन निधन हो गया, एक तरह कहें अपना प्राण त्याग दी। ये गुड़िया की बेटी है। गुड़िया क्या चाहती हो? पति भी तुम्हारे नहीं है ना, और कोई भाई है नहीं ना, भाई के खेत बारी कुछ भी नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं, ये दुकान था इसीलिए तुम लोग का दुकान रोजगार होता था। लोन गुड़िया का लड़का है, तीर लिया हुआ है, गुड़िया का लड़का है, एक लड़का है क्या लड़का गुड़िया? नहीं दो लड़के, दो लड़का और एक लड़की। गुड़िया का जब तक शरीर ठीक था 3-4 दिन पहले तक तो कमा के जो है परिवार का पालन पोषण करती थी, इनकी माँ भी विकलांग थी लेकिन माँ भी मर गई और ये इसकी हालत आप देख लीजिए कि ये तो लग रहा है चलने लायक नहीं है, चलने लायक नहीं है। अगर इसका कुछ हो गया तो इसके बच्चों का क्या होगा और इसका पूरा जीवन उजड़ जाएगा। मैं आप सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप सब मदद कीजिए। गुड़िया मेरे तरफ से ये छोटा सा मदद तुम ले लो। और इसमें हमारे एक मित्र हैं, मेरे एक दो दर्शकों ने मदद किया जो वीडियो देखे, तो फोन किए एक रवि करके एक सचिन करके,
ये ले लो कुछ पैसा है मेरी तरफ से। मेरी भी स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन तुमको मैं अपना बहन बोला हूँ तो मैं भाई का फर्ज अदा करूंगा। और मैं सिर्फ एक भाई नहीं हूँ, तुम्हारा तुम्हारे हजारों भाई तुम्हारे मदद के लिए आगे आएंगे और तुम्हारे सपने सजेंगे, तुम्हारे घर बनेंगे। मैं वादा करके जा रहा हूँ कि तुम्हारे लिए जो है हमारे जो दर्शक हैं वो मदद करेंगे, क्योंकि गांव वाले रिपोर्टर की लाज हमेशा जो है हमारे दर्शक रखते हैं। और मुझे भरोसा है कि इस बार भी मेरी लाज आप लोग बचाएंगे। इस बहन की मदद कीजिए, इस बहन के उजड़े हुए सपने को सजाया जाए, क्योंकि ये 40 घर जो जला है पीछे आप देखेंगे, इन लोग के तो जीवन में आस है कि बच्चे जवान है कमा लेंगे, इसके पास कुछ है ही नहीं। आप प्लीज मदद कीजिए ताकि इस बहन के जीवन के सपने सजाए जा सके। और अकाउंट मैं आप सबको दे दूंगा, उस अकाउंट पे डाल दीजिएगा पैसे। ये गुड़िया का ही अकाउंट नंबर होगा और गुड़िया का मोबाइल नंबर भी मैं ऊपर टाइटल में दे दूंगा, इसको फोन करके बात कर सकते हैं। गुड़िया ही फोन उठाएगा, तुम फोन तुम्हारे पास रखती हो ना, जो लोग भी मदद करेंगे फोन करेंगे, बात कर लेना, ठीक है? आज जितना भी आप लोग मदद करेंगे, दो चार दस दिन बाद जाके एक बार पता करा लेना, ठीक है? बातचीत होती रहेगी, टाई अप में हम लोग रहेंगे। अब मेरी एक ही दरखास्त है कि गुड़िया की आप लोग मदद कीजिए, ताकि ये सब लोग दूर दूर से आए हैं, इसीलिए आए हैं कि इस बेचारी का कोई है नहीं, कोई नहीं। आप कहाँ से आए हैं? हम नेबुआ नौरंगिया सर, नारायणपुर से आए। अब सुने इसका कोई नहीं है तो आए हैं। हाँ, हाँ, तो सिर्फ नेता लोग आ रहे हैं, फोटो खिंचा के चले जा रहे हैं, उस मदद से कुछ हो नहीं पाएगा। सबके सहयोग से होगा। मुझे लगता है कि मैं कभी भी जो है मेरे दर्शक है मुझे हारने नहीं देते हैं। मैंने इतना तो कमाया है विश्वास नाम इस दुनिया में, और इस बार भी मेरा नाम आप लोग ऊंचा ही करेंगे, मुझे भरोसा है। और इसको मैं अपना बहन बोला हूँ तो भाई का फर्ज अदा करूंगा और आप सब लोग भाई का फर्ज अदा करेंगे। ये गुड़िया की बेटी है, ये गुड़िया का छोटा बेटा है, ये गुड़िया का बड़ा बेटा है। और गुड़िया की हालत देख लीजिए, अब इस हालत में कैसे मजदूरी करेगी, क्या करेगी, ये मुझे समझ तो नहीं आ रहा है। अब मैं आप सबके भरोसे इस मुहिम को छोड़ रहा हूँ कि आप सब जो है इस बेचारी का मदद कीजिए, ताकि अगली बार जब हम आए तो इसका घर जो है बनेगा और यहाँ घर बन के सब कुछ कंप्लीट होगा और इसका जो है जीवन के उजड़े हुए सपने जरूर सजेंगे। और मुझे विश्वास है आप लोग मदद करेंगे। क्या कहना चाहती हो गुड़िया? कब सब मिल के भाई बहन समझ के हमको मदद कीजिए, सब भाई मानता नहीं हमको बहन मान। बोल नहीं पा रही है गुड़िया, लेकिन दुख है इसकी माँ, सोचिए कितनी पीड़ा हुई होगी, तड़प के प्राण को त्यागी है अपना न चाहते हुए। ये गरीबी कितना दर्दनाक होता है, और गरीब का दुख कोई समझ ले तो मुझे लगता है इस दुनिया में उससे महान कोई है नहीं। सबसे बड़ा काम ये होता है कि किसी दुखिया गरीब के जो है ना जीवन में जो है खुशी लाया जाए, और आज मौका आप सबको मिल रहा है। देखिए ये बैठ नहीं पा रही है, दो चार मिनट खड़ा हुई है और मजबूरन जान नहीं है शरीर में इसके। और सब लोग चाहते हैं, लेकिन सच्चाई अभी है कि इस गांव के सब लोग दुखदाई हैं, दुखदाई इसलिए कि सबके घर जले हैं, तो और लोग भी इसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं चाह के। लेकिन मैं चाहता हूं आप सब लोग मदद कीजिए, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर की लाज बचाइए, ताकि इस बहन के जीवन के सपने को सजाया जा सके। बाकी जो आप लोग भी मदद करेंगे वह गुड़िया के अकाउंट में जाएगा, गुड़िया का अकाउंट आप सबको मैं दे दूंगा। और दो चार दिन बाद मैं आऊंगा, जो भी डोनेशन आया होगा वह मैं आप सबको एक बार सूचित कर दूंगा कि इतना डोनेशन आया है। उस पैसे का सामान खरीद के जो इसको घर बनाने की जो भी व्यवस्था है वो सब मैं करवा के घर बनवा के आप सबको दिखाऊंगा, चाहे छप्पर का ही घर बने लेकिन बनेगा जरूर। तो अब इंतजार रहेगा कि इस मुहिम को रंग दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक दुखियारी बहन की मदद किया जाए, एक गरीब बहन के सपने सजाए जाए। हम सब आमतौर पर गुटखा पान मसाला तंबाकू खा के 10-20-50 रुपये बर्बाद कर देते हैं। चलिए एक दिन गुटखा मत खाइए, चलिए एक दिन पान मत खाइए, चलिए एक दिन तंबाकू मत खाइए, चलिए एक दिन नशा मत कीजिए। सिर्फ इस बहन के लिए इसके जीवन के सपनों को सजा दिया जाए, इसके उड़े हुए चेहरे की रंगत जो है भर दिया जाए कि यह फिर से चलने लायक हो जाए और फिर से इसके जीवन में खुशी आ सके।